हेलो फ्रेंड, मेरे खा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिका। फ्रेंड, मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाया था किचन वेस्ट से। फ्रेंड, ये देखो कितना अच्छा निकला है। इसी बाल्टी में बना रखा था मैंने, क्योंकि इसके जितने भी मेरे मधुमालती को मैंने कटिंग किया था तो इसी में डाल दिया। अब देखो कितना अच्छा है। और मैं इसी में ही अपने गोदावरी की कटिंग को रिपोर्ट करूँगी। और फ्रेंड, मैं इसमें से जो कुछ इसमें कुछ पन्नी वगैरह हल्की सी है कुछ, उसको हटा रही हूँ। ये नीम खली है, थोड़ी मिलाई है मैंने। और ये वर्मी कंपोस्ट है, इसमें मैंने इसलिए कम लिया है ये, क्योंकि ये मैंने किचन वेस्ट से ही बना रखा है और इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ 2-3 मिट्टी ही लिया है मैंने। और इसमें देखो कितना अच्छा बना है। और मैं फिर से ही इसमें बनाऊंगी। मेरे पास रखा है ट्रे में भरा हुआ, इसके पत्ते वगैरह वो फ्रेंड इसमें डब्बों में लगाऊंगी जो किचन से निकलते हैं। वेस्ट मटेरियल ही होता है ये। और इसको हम अगर काम में भी यूज ले लेते हैं पौधे लगाने के, तो हमारा प्लांट भी लग जाते हैं और हमारे वातावरण में से कुछ गंदगी भी कम हो जाती है। ये फ्रेंड मैं इसको इसी तरह से इसको मिला रही हूँ। ये फ्रेंड मैंने रख दिया अपना फोन को। अच्छे से इसको मिला लेती हूँ। फ्रेंड मैं इसको डब्बों में सभी में लगाऊंगी और मैं इसको इसमें भर देती हूँ। और बहुत अच्छी कटिंग मेरी ग्रो हुई है। कुछ तो फ्रेंड मेरे नीचे ही मैंने कर रखी थी, उसको चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि बहुत सारा से इन लोगों को, क्योंकि मैं नीचे बालकोनी गार्डन में ही रखे हुए थे। इस चीज़ को बार बार ऊपर लेके जाना मुझे बहुत मुश्किल हो गया। अब इसलिए फ्रेंड मैं इसको नीचे उतार के नहीं लेके आऊँगी, ऊपर ही रहने दूँगी, यहीं पे किसी छाया की जगह में रख दूँगी। तो मैं इसी में इस तरह से ही रिपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड थोड़ा सा चढ़ने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है पकड़ने का, तो इसलिए। ये इन सबको मैं नीचे से ही लेके गई थी, बालकोनी में ही रखे हुए थे। और फ्रेंड बहुत अच्छी ग्रो हो गई है। फ्रेंड मैंने अभी और भी कटिंग लगा रखी है, पर ये बहुत अच्छी हो गई। वो मेरी टेरिस पे ही रखी हुई है, ये नीचे थी बालकोनी में। इसी तरह से फ्रेंड मैं सबको ये लगा देती हूँ। फिर फ्रेंड हर सीजन में हमको प्लांटर लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो मार्केट जाओ लेके आना, इसलिए ये बेकार ही तो रहते हैं किचन में पड़े हुए। तो इसीलिए फिर फ्रेंड मैं इसी में लगा देती हूँ। और फ्रेंड ये मैंने इसमें से निकाला है, इस तुलसी जी के प्लांट में भी मैंने कटिंग लगा रखी थी, ये भी बहुत अच्छी निकली है। अभी एक पॉली बैग में भी लगा रखी है, उसे भी मैं निकालूंगी, वो भी बहुत अच्छी ग्रो हो रखी है। और फ्रेंड बहुत ये जो मिट्टी है जो मैंने किचन वेस्ट से बनाई है, ये बहुत हल्की है,
फ्रंट बहुत अच्छे से लगा देती हूँ इसको मैं, इससे इसमें हवा ना रहे। ये इसमें से जो मोटी लकड़ियाँ वो डाल रही हूँ मैं इसके नीचे, क्योंकि वो गली नहीं है, इसी में गल जाएगी। फ्रेंड इसमें तीन चार है तो मैं ऐसे को लगाऊंगी एक पॉली बैग में, मैं इसको जरा लेके आती हूँ। उस पहले पॉली बैग में भी तीन चार थे, मैंने निकाल लिए वो। फ्रेंड्स को निकालने में थोड़ा सा वो हो रहा था, ये लेके आ गई मैं। इसमें फ्रेंड्स चीटी है लाल, और ये मेरे हाथ पे चढ़ गई थी तो इसलिए। अच्छे से दबा देती हूँ मैं इसको। फ्रेंड इसमें ज़्यादा कटिंग है, अब मेरे पास कोई वो है भी नहीं, अब मैंने ये लगा लिए सब। जितने प्लांटर मेरे पास थे ये मैश मटेरियल के, इतने में लगा लिया। फ्रेंड और मिलेगा तो मैं औरों में लगा लूँगी, पर मैं उसकी आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने ये दिखा दी। और फ्रेंड मैं इसको नीचे नहीं लेके जाऊंगी अब, क्योंकि इसको लाना बहुत मुश्किल हो गया था कटिंग को, तो अब मैं इसको यहीं रख दूंगी किसी छाया की जगह में। फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।